दरे हुसैन पा मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। जी हाँ दोस्तों, दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। बेंगलुरु की सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 27 अगस्त बरोज इतवार मनाए गए यौम हुसैन में शिया सुन्नी बोहरा जमात के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। बेंगलुरु की मशहूर तालीमी समाजी व सियासी शख्सियत आगा सुल्तान हर साल नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की याद में हुसैन डे कन्वेंशन का इनाकाद करती हुई आ रही है। 31वें हुसैन डे का मौजू था डाइवर्सिटी एंड सॉलिडेरिटी, यानी तनु व यकजहती। हिंदुस्तान अलग अलग मजाहिब, अलग अलग जातों, तबकों, इलाकों, अलग अलग जबानों, तहजीबों व सकाफतों का मुल्क है। न सिर्फ इस मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद तनुओ में, डाइवर्सिटी में यूनिटी यकजहती इत्तेहाद कैसे कायम किया जाए, कैसे मजबूत व मुस्तहकम किया जाए, इस पर गौर व खौस करने के लिए हर साल बेंगलुरु में आलमी सतह पर हुसैन डे मनाया जा रहा है। इस अहम तरीन इजलास में 1400 साल कबल पेश आए करबला के वाकये और मौजूदा समाजी सियासी हालात का बहुत ही गहराई से मवाजिना कंपैरिजन किया जाता है। 31st हुसैन डे कन्वेंशन के स्पीकर्स ने कहा कि मकसदे हजरत इमाम हुसैन इंसानियत की बका, दीन इस्लाम की हिफाजत, अमन व इत्तेहाद का कयाम था। इसके बरखिलाफ यजीद गैर इस्लामी, गैर इंसानी, गैर अखलाकी रिवायतों की बुनियाद रख चुका था। हजरत इमाम हुसैन की बैयत चाहता था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का एक जुमला जो रहती दुनिया तक दोहराया जाता रहेगा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा, इस एक जुमले ने उस वक्त के पूरे मंजरनामे को बदल दिया। लिहाजा इस यादगार इजलास में मौजूद उलमाए कराम, दानिश्वरों, माहिरीन इल्म व अदब ने उस वक्त के हालात और मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि जुल्म व सितम के खिलाफ, तशद्दुद दहशत वहशत के खिलाफ, नाइंसाफी व हक तलफियों के खिलाफ लड़ी गई करबला की जंग और हजरत इमाम हुसैन की शहादत हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए पयाम हक व इंसाफ, अमन व इत्तेहाद आम करती रहेगी। लिहाजा यही वजह है कि हर साल हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा, ताकि इस्लाम, इंसानियत, हक व इंसाफ पर आंच न आ सके। चलिए सुनते हैं 31वें हुसैन डे के मौके पर 1400 साल कबल के हालात और मौजूदा हालात का मवाजिना कंपैरिजन करते हुए क्या अहम बातें बताई गईं और समाज को, सोसाइटी को क्या मैसेज दिया गया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। कौन है हुसैन? हुसैन वो है जो नवासा रसूल है, जिगर गोशाए बतूल रसूल अल्लाह की आंखों के नूर, सरदारे नौजवाना ने जन्नत, शहसवारे दोशे रसूल, हैदरे फरार के लख्त जिगर, फातिमा के नूर नजर, इस्तकामत के जबल अहद, इस्तकलाल की नैयर ताबा, बुलंदियों के मुंतहा शब्य मुस्तफा। हुसैन वो है जिनकी पैदाइश पर सबसे ज्यादा खुशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। हुसैन तो वो है जिनका नाम रसूल अल्लाह ने रखा। हुसैन तो वो है जिनको घुटी रसूल अल्लाह ने अपने लुआब दहन की दी। हुसैन तो वो है जिनका नाम आसमानों से अता किया गया। हुसैन वो है कि आज से पहले कायनात में किसी का नाम हुसैन नहीं था। हुसैन वो है जिन्होंने 25 हज पैदल अता फरमाए। हुसैन वो है जो रात को नवाफिल में खड़े होते तो पहली ही रकत में अजान फज्र का वक्त हो जाता।
हुसैन वो है कि इश्क इलाही में इस कदर आहोजारी करते कि चेहरा अनवर पर आंसुओं से लकीरें बन गई। हुसैन वो है जो अपने कंधों पर राशन उठाकर 1400 से जाहिद घरों तक पहुंचाते। हुसैन वो है कि नमाज़े तहज्जुद, तकबीरे उला और नमाज़े जनाजा जिनसे कभी नहीं छूट पाई। हुसैन वो है जो मुस्कुराते तो हजरत उस्मान फरमाते कि जन्नत में बहार आ गई है। हुसैन वो है जिनको धोखे से बुलाकर शहीद किया गया। हुसैन वो है जो नाना के दीन के लिए अपने अहलो अयाल समेत जान अपने रब के नाम पर कुर्बान कर गए। हुसैन वो है जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत फरमाई कि कातिल भी आया तो उसे भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से पानी पेश किया गया। हुसैन का जिक्र सिर्फ ईमान का तकाजा नहीं, इश्के हुसैन बख्शिश की भी सनत है। इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मुकर्ररीन में भी आपस में यकजहती होना चाहिए। यकजहती का सबसे बड़ा मरकज हजरत सैयदुश्शुहदा सलामुल्लाह अलैह की जात है। और ये यकजहती पैदा कैसे होती है? आज जो हमारे हिंदुस्तान का माहौल हो रहा है ना, जवाब का जवाब, जवाब का जवाब, जवाब का जवाब, इससे यकजहती आने वाली नहीं है। सामने वाला क्या करता है हमसे इससे बहस नहीं है, हमारी जिम्मेदारी क्या है हमको उस पर सोचना है, तब यकजहती पैदा होगी। चाहे वो सामाजिक एतबार से तनव्वो हो, चाहे अखलाकी एतबार से तनव्वो हो, चाहे ये तनव्वो का मेयार एक आदमी आईएएस है, पीसीएस है, मिनिस्टर है, एमएलए है, उसके सामने उसी के खानदान का आदमी बेचारा है, वो रक्षा चलाता है, वो कमजोर है, वो मजदूर है, उससे अगर हम यकजहती करते हैं तो आपकी ये तरक्की भी बाकी है। मैं एक हदीस आपको सुना देता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी दास्तान सुनाता हूँ। अगर आप यकजहती रखेंगे सबसे, चाहे वो मजहब जो है वो फर्क हो, चाहे वो समाजी फर्क हो, चाहे वो इल्मी सतह में फर्क हो, आप चाहे जिस बुलंदी पर हो, अगर आप मिल के रहेंगे तो खुदा आपकी उस नेमत को ही बरकरार रखेगा, अपनी रहमतों को आपके मुल्क पर भी बाकी रखेगा। हदीस कहती है इन्ना लिल्लाह इबादन यखुसहुम बिल निअम। हसन अहमद साहब तवज्जो है ना, इन्ना लिल्लाह इबादन, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, यखुसहुम बिल निअम, जिनको खुदा अपनी नेमतों से नवाजता है। क्यों नवाजता है? ले मनाफिल इबाद, ये है पूरा आपके दीन का हुक्म। ये है आप कबा पहन लीजिए, आप अमामा लगा लीजिए, आप मिनिस्टर हो जाइए, अपनी अकल से जो चाहिए बोलिए, वो अपनी जगह, लेकिन जो गाइडलाइन हमारे जो है वो अइम्मा ने दिया है या रसूलों ने दिया, उसमें से एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। फरमाते हैं इन्ना लिल्लाह इबादन यखुसहुम बिन्निअम, अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिनको खुदा अपनी नेमतों से मखसूस करता है। देखिए लफ्ज नेमत कहा है हदीस में, पैसा नहीं कहा है, नेमत में सब आ जाता। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मिनिस्टर हो गए हैं, आप अरबपति हो गए, जिसको जो दे दिया। ये क्यों दिया है खुदा ने? ले मनाफिल इबाद, ताकि तुम्हारे जरिए से अल्लाह के दूसरे बंदों को फायदा पहुंचे। अब उसके बाद रिवायत का जुमला यह है कि अगर तुम्हारी जात से दूसरे बंदों को फायदा पहुंचता है तब तो वो नेमत रहेगी। तो हमारे घर और इस तरीके से इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह उन फुकरा को लेकर के अपने घर आए, दरवाजे ही से आओ। जब तक हम वो किरदार नहीं अपना लेंगे, ये इस तरह के प्रोग्राम करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आए खाया चले गए, उससे कोई फायदा नहीं। आइए हम सब दुआ करते हैं। आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता करे कि हम बावजूद तनव्वो के सबके साथ यकजहती के साथ मेल व मोहब्बत के साथ अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाए। और उसका सबसे बड़ा जो है वो मरकज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है, जिनके लश्कर में आप देखेंगे ज़ुहैर तैन शिया नहीं थे, जिनके लश्कर में आप देखेंगे जौन शिया नहीं थे, जिनके लश्कर में आप हत्ता सुनेंगे आप उमर साद को जानते हैं ना, हाँ उमर साद क्या चचेरा भाई हाशिम इब्ने
उतबा इब्ने अबी वक्तास, वो उस लश्कर से निकल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आया, उमर साद का सगा चचेरा भाई। उस ये कैसे हुआ, उसकी जो वजूहात तारीखों में लिखी गई हैं, वो खुद कहता है कि मैं रात को निकला यजीदी लश्कर में देखा वहां नाच गाजा बाग सब चल रहा था, इधर इमाम हुसैन की तरफ आया देखा दुआ तिलावत नमाज हो रही है, अपने को ठीक करो मुल्क एक जय। जब हम जवाब पर आएंगे तो शायद हमको वो कामयाबी न मिल पाए जितनी कामयाबी हमको सीरत हुसैन पर चल के मिल सकती है। मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा, दुआ करूंगा कि ये बातें सिर्फ जबान तक न रहें। और मौका नहीं मिलता है, हमारे हसन अहमद साहब आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरा इनका बड़ा पुराना वो रहा है, 8-9 साल मैं इनके यहाँ रहा हूँ और ये MLA भी रहे हैं वहाँ दिल्ली में। मैं इनसे एक गुजारिश करूंगा जो हमारे मुल्क, हालांकि मैं सियासी तकरीर नहीं कर पाता सर, न मेरे अंदर वो सलाहियत, एक चीज मेरी समझ में आई है अगर आप लोग उस पर गौर फरमाए, शिया लोग इमाम हुसैन की विलादत का जश्न मनाते हैं है ना, लेकिन उतना जश्न नहीं मनाते जितना शहादत का गम मनाते हैं। ये है ना, जो हमसे गलती हुई है हसन अहमद साहब कि हमने गांधी जयंती की छुट्टी रखी है, गांधी की शहादत को हमने बुला दिया है। अगर ये आप लोग शुरू कर देना कि बजाय इसके शहादत पर छुट्टी करें और शहादत पर प्रोग्राम करें, तो शायद किसी हद तक हम लोग डैमेज को कंट्रोल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कुरान होली कुरान चैप्टर 49:13 सूरह, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल्स। أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا। थैंक यू वेरी मच। किस्म का रूहानी इज्तिमा है, जिसकी भी तारीफ करना हो उसके लिए आप तारीफ करें, नारे बुलंद करें, लेकिन जो हमारी तहजीब है उसको बरकरार रखें। कुछ नौजवान बच्चे नहीं जानते उनके लिए अर्ज है, नारे तकबीर अला रसूलिल करीम व आले बैतिहिल ताहिरीन व असहाबिहिल मयामीन। अम्मा बाद, मज़लूम कर्बला इमाम हुसैन की याद में मुनअक़िद की गई है। हम सभी मुख्तलिफ मसालिक व मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग इतनी डाइवर्सिटी तनवों के बावजूद आज ऐसी आलमी शख्सियत को याद करने के लिए हाजिर हुए हैं जिनकी ज़ात गिरामी यूनिटी सॉलिडरिटी का इत्तेहाद का मुतरादिफ है। आज हुसैन डे का इनेकाद है और आज की इस मजलिस में इत्तेहाद और डाइवर्सिटी के उन्वान पर इजहार ख्याल करना है। मैं जनाब आगा सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो बड़े जतन से गुज़िश्ता 30 साल से इस मजलिस का एहतमाम करते हैं आए हैं और आज बेहमदिल्ला 31वां इनेकाद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर जमा होना अकीदे का फरीजत है, मोहब्बत का तकाजा है, बल्कि इंसानियत के उसूल में से है। हुसैन की कुर्बानी किसी एक मजहब या मिल्लत के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत आपकी इस एहसानों की याद करते हैं। हुसैन तो मोहसिन कायनात है, तमाम इंसानों में राइज है कि अपने मोहसिन के इंतकाल के दिन उनके एहसानों को याद करते हैं। तो आज
हम हुसैन के एहसानों को याद करने के लिए जमा हुए हैं कि जो हुसैन को याद करना इंसानियत का तकाजा है। अल्लाह सुबहानहू किताब करीम में इरशाद मुनीर फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुयूबन व क़बाइला लितआरफू। ए लोग, हमने तुम्हें मर्द और जन से पैदा किया, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने घर बार को भुला दिया, अपनी जरूरतों को भुला दिया, अपनी खुसूसियात को फरामोश कर दिया, अपनी जात को इमाम हुसैन के मकसद के साथ मिला दिया। हक की ऐसी सॉलिडिटी तैयार हुई थी जिसके सामने बातिल का लश्कर पाश पाश हो गया। आज तमाम दुनिया अपनी तमाम डायवर्सिटी को, अपनी कुव्वत को हर मैदान में तौफीक का परचम गाड़ रही है। इंसानी कुव्वत और कारगिरी की जगह मशीनों ने ली, ने दुनिया में हिंदुस्तान की अजमत को और बढ़ा दिया। हमारे साइंसदानों ने, खासतन इसरो ने ऐसा कारनामा दिखाया जिससे हिंदुस्तान का सर फखर से बुलंद है। गुज़िश्ता बुधवार को हिंदुस्तान के मस्नूई सैयारा चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतरा। आज इस मौके को गनीमत लेते हुए इसरो के साइंसदान को दिली मुबारकबाद भी पेश करता हूं। यह कामयाबी हमें बताती है कि यह किसी एक मजहब, एक मिल्लत या एक फिरके की कोशिश नहीं का नतीजा नहीं है, बल्कि सबकी मिली जुली मेहनत का सिला है। हमारा शहर बेंगलोर खूबसूरती का शहर है, में फर्क आ जाए मगर अंदरूनी खूबसूरती जो उसकी खुशबू है वो बाकी रहती है। हम गुलाब के शहर में रहते हैं, हमें भी गुलाब की तरह तरोताजा रहना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम के आखिर में मुंतजमीन को ये दुआ करता हूं कि मुंतजमीन को अल्लाह नेक जजा अदा करे। इमाम हुसैन के नाम पर कौम की और इंसानियत की खिदमत करते रहे, अल्लाह उनकी उम्मीद पूरी करे। हाजिरे किराम, अल्लाह आपको नेक तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन की कुर्बानियों का फलसफा समझकर और उनकी कुर्बानियों से दर्स लेकर मादरे वतन और कौम व मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये दुआ से मैं अपना बयान कभी कभी देखिए आप हवाले कर दीजिए तो फिर आपको मरने में भी कोई दिक्कत नहीं। मुलाहिज़ा कीजिए कि आंसू हुए जो दाखिले रूमाले फातिमा, मुलाहिज़ा कीजिए दूसरा मिसरा, आंसू हुए जो दाखिले रूमाले फातिमा, पूरा शिनास नामा ही उनका बदल गया। हम अपनी पहचान को बदल देते हैं सिर्फ इसी से, और आगाज साल होता है याद हुसैन से। हमारा जो इस्लामी साल है, आगाज साल होता है याद हुसैन से, आगाज साल होता है याद हुसैन से। बदली नहीं ये रस्म, जमाना बदल गया। बदली नहीं ये रस्म, जमाना बदल गया, और दीवारों दर भी शाह के गम में हुए शरीक। दीवारों दर भी शाह के गम में हुए शरीक। शब लग गई, लिबास सभी का बदल गया। दीवारों दर भी शाह के गम में हुए शरीक। शब लग गई, लिबास सभी का बदल गया, और ये लोग भी समझते हैं उनमें से हम नहीं। सुनिए हजार शेर सुनिए कि ये लोग भी समझते हैं उनमें से हम नहीं। बदला हवा का रुख तो अकीदा बदल गया।
ये लोग भी समझते हैं उनमें से हम नहीं। बदला हवा का रुख तो अकीदा बदल गया, अब बादे अजल भी बदला हवा का रुख तो अकीदा बदल गया, उनमें से हम नहीं। कि बादे अजल भी छूटा नखा के शिफा का साथ, हजार से सुनिए, कि बादे अजल भी, बादे अजल भी छूटा नखा के शिफा का साथ, बस ये हुआ मकान हमारा बदल गया। बादे अजल भी छूटा ना खाके शिफा का सा, बस ये हुआ मकान हमारा बदल गया। और तारीख देख लीजिए यौम हुसैन की, देखिए जगह बदलने से यौम हुसैन नहीं बदलता। तारीख देख लीजिए यौम हुसैन की और फिर बताइए कि कहां क्या बदल गया, और फिर बताइए कि कहां क्या बदल गया। अरे मातम का जो लिबास था बाकी है आज तक, मातम का जो लिबास था बाकी है आज तक। यूं तो बहुत से लोगों का चोला बदल गया, मातम का जो लिबास था बाकी है आज तक। यूं तो बहुत से लोगों का चोला बदल गया। और मेरी बहनें यहां हैं, फर्शे अजा पे जब भी उठाए गए सवाल, फर्शे अजा पे जब भी उठाए गए सवाल, जैनब की हर कमीज का लहजा बदल गया। फर्शे अजा पे जब भी उठाए गए सवाल, जैनब की हर कमीज का लहजा बदल गया। मातम सरवर की सदा में घर लोग खुला छोड़ के बाहर निकल आए, घर लोग खुला छोड़ के बाहर निकल आए। और शब्बीर की मजलिस में कमी कोई न रह जाए। फारूक अब्दुल्ला साहब पेश करता हूं शेर, सुनिए, कि शब्बीर की मजलिस में कमी कोई न रह जाए, इस शौक में संदूक से जेवर निकल आए। शब्बीर की मजलिस में कमी कोई न रह जाए, इस शौक में संदूक से जेवर निकल आए। हुसैन माहे मुहर्रम के पहले अशरे में हमें यकीन है हिंदुस्तान आते हैं, हम हिंदुस्तानी यही समझते हैं कि मुहर्रम में इमाम हुसैन यहाँ आते हैं, और इमाम हुसैन के गम में शरीक होने के लिए हिंदुस्तान से हजारों लोग, लाखों लोग करबला की सरजमीन पर जाते हैं, और ख़ास तौर से अभी चेलम के सिलसिले में लाखों लोग यहाँ से जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं हर तरफ से। और ऐसे ही एक इमाम हुसैन के प्रस्तार हमारे दरमियान है, जो कई मरतबा नजफ से करबला के दरमियान पैदल का सफर कर चुके हैं। वैसे तो वो फिल्मों की और सीरियल की वजह से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान है एक हुसैनी की तरीके से, और वो हुसैनियत जिसके लिए वो अपने पैरों में छाले भी पड़ते हुए देखते हैं। मैं नहायत अदब और इकराम के साथ अली असगर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम में अपनी बात कहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। Distinguished dignitaries on dais, सुल्तान सर का और हुसैन डे के ऑर्गेनाइजर्स, अरेंजर्स जो जो है उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इन सब के साथ यहाँ बैठने का मौका मिला और आका हुसैन के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। मुझे माफ करना, आई एम नॉट अ स्पीकर, मैं जाकिर नहीं हूं, ना ही मैं शायर हूं, मैं एक आम आदमी हूं जिसे आका हुसैन का बहुत करम मिला है और उन्हीं का सदका है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने हूं। कुछ बोलूं उससे पहले
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अयाम अज़ा चल रहे हैं, कुछ ही दिन में अरबैन आप सब, काश के मैं ये कह सकता हम सब, पर आप सब करबला के लिए रवाना होंगे अरबैन मनाने के लिए, बीबी को पोरसा देने के लिए, ज्यारत करने के लिए। करबला भी एक मुजज़ा है जो मैंने, हालांकि दो बार ही गया हूं मैं, तो जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मुजज़ा से कम नहीं है। हर साल तादाद बढ़ते जाता है वहां, लोग कहते हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का मजमा है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लोग पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, ज़ियारत हो रहे हैं। पर जो मैंने महसूस किया वहां पर वो ये था कि मैंने देखा कि खाना खाने वाले से ज्यादा खिलाने वाले वहां मौजूद है। पानी पीने वाले से ज्यादा पानी पिलाने वाले वहां मौजूद है, सहूलियत लेने वाले से ज्यादा सहूलियत देने वाले वहां मौजूद है। कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो वहां है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, कौन है ये लोग? तब मतलब कहते ना, मेरे हिसाब से तो मुझे ये समझ में आ गया, या मैंने ये इस बात को माना कि अगर चाहने वाले की ये ताकत है, चाहने वाले की ये ताकत है, तो जरा सोचिए जिसे ये चाहते हैं वो कितना ताकतवर होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैन है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी जिंदगी यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। जब पहली बार वहां गया था तो हम सब नजफ में उतरे और 1-2 दिन शायद वहां थे नजफ में, और रात को ही मैं मेरे बेटे के साथ मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ आए तो लूट लो, रूम में बैठने का मतलब नहीं है, चलो ज़ियारत करते मौला अली अलैहि सलाम के रोजे पे। जैसे हम गए भीड़ बहुत थी माशाल्लाह, और ऐसी ऐसी वैसी भीड़ नहीं, कहाँ कहाँ से अलग अलग देशों से लोग वहां आते हैं, लंबे चौड़े, जहां मेरी हाइट टूटती है वहां से तो उनकी हाइट ही शुरू होती है, लंबे लंबे चौड़े माशाल्लाह, हैदर 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 बोल के जो अंदर घुसते हैं। तो एक तरफ एक गेट से मैं निकल गया बाहर, एक गेट से मेरा बेटा अलग हो गया, हम अलग हो गए, बाहर निकले। फिर किसी ने कहा एक काम करो, रात के 1:30-2 बजे आप जाओ, शायद लोग कम होंगे तो आपकी आप जरी तक पहुंच जाओगे। तभी भी हमने ट्राई किया, तभी भी नाउम्मीद हो गए। फिर किसी ने कहा कि फजर के नमाज से पहले चले जाओ, शायद पहुंच जाओ, वो भी ट्राई किया, फिर अलग हो गए। फिर वहां से जब रवाना हुए करबला की तरफ, तो जो साथ में टूर में थे वो लोग कई बार जा चुके थे, उन्होंने कहा माफ करना, अगर यहां जरी तक नहीं पहुंच सके तो करबला में तो नामुमकिन है, बोले वहां तो जो भीड़ होगी वो आप सोच भी नहीं सकते।
दिल टूट गया। ऐसा लगा कि पता नहीं है यार ये क्या गुनाह कर दिए जिंदगी में कि हम जरी तक नहीं पहुंच पाए, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। करबला पहुंचे, होटल में सामान वामान रखे, फिर निकल गए। मैंने कहा बेटा चल आजमाते किस्मत, यकीन मानो बखुदा। पहले हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जरी पर गए, होटल के बिल्कुल करीब था, तो वहां अंदर गए, जैसे तैसे करके गए। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और यकीन मानो जैसे ही हम जरी के थोड़े नजदीक गए, सामने से भीड़ खाली। ये देखिए भीड़ खाली बिल्कुल, ऐसे लग रहा था जरी बुला रही है मुझे। मैं मेरा बेटा लपक के हम जाकर के जरी को हमने पकड़ लिया। मुझे लग रहा है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड बहुत है ये वहां पर। अरबैन के वक्त 30 सेकंड भी अगर आप जरी से जरी पे हो तो ये वो तो भाई हमारा तो बोलते ना भूख ही नहीं मिट रही थी। हम वहीं थे, पकड़ के खड़े थे, जो खड़े रहे। फिर वो जो वहां खादिम होते हैं, जो उन्होंने ऐसे फर से कहा कि अभी हम लोग वहां से निकले, एक जोश आ गए, एक कहा कि क्या हो गया, ये मुजजा हो गया है। तो वहां से निकले, भागे भागे गए इमाम हुसैन अलैहि सलाम के जरी पर। वहां गए और वहां भी यही हुआ, भीड़ थी, सडनली भी सामने से भीड़ गायब, जरी बुला रही, हम जाकर के जरी को लपक लिए। वहां तो और भी वक्त मिला हमें खड़े रहने का। और आप मानोगे नहीं, जब तक हम वहां थे उसके बाद सामरा और आगे जहां जहां टूर जाती है, जब जब हम वहां रोजे पर गए आका हुसैन के और मौला अब्बास के, मेरे और मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता था सामने से सब हट गए। वापसी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि कुछ समझा बेटा ये क्या हुआ? आम आदमी हूं इसीलिए मेरी समझ ऐसी है। मैंने कहा कि बेटा नजफ से मैसेज आया था, कहा कि दो बच्चे निकले यहां से नाउम्मीद होकर के, मायूस होकर के, उन्हें नाउम्मीद होने मत देना। या अली, ये है मुजेजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि ना पूछ कैसे कोई शाह मशरकैन बना, ना पूछ कैसे कोई शाह मशरकैन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना, अली का खून लुआब रसूल चीरे बतूल, मिले है जब ये अनसिर फिर हुसैन बना। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ गलती हुई तो माफ करना। लब्बे क्या हुसैन, लब्बे क्या हुसैन। आज हम एक ऐसी मजलिस में हाजिरी दे रहे हैं जो हमारी मगफिरत का जरिया बन सकती है। आज इस हुसैन डे के प्रोग्राम में खास कश्मीर से आए हुए इस देश की बहुत ही कद्दावर शख्सियत, हमारे रहनुमा रहबर जम्मू कश्मीर के माजी मुख्यमंत्री यूनियन मिनिस्टर जनाब शेख फारूक अब्दुल्ला साहब, आचार्य प्रमोद जी मेरे बड़े भाई जिनके साथ मैंने अपना सियासी सफर शुरू किया, दिल्ली के एमएलए और कांग्रेस के कद्दावर नेता हसन अहमद साहब, हमारे दूसरे भाई कर्नाटका के हारिस साहब, स्टेज पे बैठे उलमा इकराम रिस्पेक्टेड डायस, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों भाइयों बहनों दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले आगा सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको आज ये मौका फराहम किया कि मैं भी इस मजलिस में अपनी हाजिरी देने का शहादत हासिल किया। आगा हुसैन साहब की मेरी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं है। अब इस अरबैन को 1 साल होगा, 1 साल पहले करबला मोहल्ला में मेरी आगा सुल्तान साहब से मुलाकात हुई।
अली भाई जैसा भी बता रहे थे अरबैन के बारे में, अरबैन का नाम सुन के अगर रोंटे खड़े ना हो तो आदमी हुसैनी है। अरबैन का सफर तय करने के बाद में एक चीज तय हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको किसी के काम आने के लिए भेजा है, आपको हुसैनी रास्ते पे चलने के लिए भेजा है। और जो शख्स वो किसी भी मजहब का हो, क्यों अल्लाह ने अपने हबीब को नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा, उस सब के लिए रहमत बन के दुनिया में आए। और जिन्होंने अपने सजदों को लंबा कर दिया क्योंकि नाना के कंधे पे नवासे सवार थे, उस हुसैन की याद में हम लोग यहां पर जमा हुए और हम अरबैन उस याद में जाते हैं। तो हमारी जिंदगी का आज का ये मकसद, जो प्रोग्राम का जो मकसद है, जो 30 साल से ये मनाया जा रहा है, अगर आज हम यहां से अपनी जिंदगी में अगर कुछ बदलाव नहीं करते तो फिर हम हुसैनी कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि वहां अरबैन के सफर के बाद में मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज तय कर लिया कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद सिर्फ 2.5 फुट और 6 फुट की जगह की जरूरत है, उसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं। जब आप नजफ शरीफ से मौला अली के रोजे से निकलते हो और मौके पहुंचते हो किसी भी नंबर के 200, 300, 400 नंबर के, और जब एक गद्दा एक बिछौना मिलता है उसके ऊपर जो नींद आती है वो किसी भी रेशमी गद्दे पर या कंबल पर नहीं आ सकती, जो सुकून मिलता है। और जो लोग फरिश्ते उतर के आते हैं उस दौरान, और मैंने ये चीज को महसूस किया है, मैं यह कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने खुद महसूस किया है कि करबला की जमीन वसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इतने आदमी अरबैन के दूसरे दिन, जो लोग अरबैन गए और जो नहीं गए, और इंशाल्लाह अल्लाह हर एक को यहां मौजूद आदमी को अरबैन नसीब करे, आप यकीन के साथ दूसरे दिन अरबैन के देखोगे, वो गलियों को देखोगे तो आप यकीन नहीं कर सकते हो कल यहां पर करोड़ों लोग मौजूद थे। एक तंग गलिया, ये अल्लाह की रहमत है अपने हबीब के नवासों के लिए। अल्लाह ने दुनिया किस लिए बनाई? अपने हबीब के लिए बनाई, और अपने हबीब के सच्चे में दुनिया बनाई। और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आग का तारा कौन? हसन और हुसैन। और उनकी कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, इंसानियत के लिए थी। जो जन्नत के सरदार रहेंगे नौजवानों के, एक दुआ और यदीदी ऐसा 10 गुना भी लश्कर बड़ा होता तो खत्म हो जाता, मगर वाकया करबला होना था और नबी करीम को अपनी जिंदगी में बताया गया था कि वाकया करबला होगा और वाकया करबला में होगा। दुनिया जानती है अगर कोई जंग पे जाता है तो अपनी बड़ी सेना लेके जाता है, और इमाम हुसैन के साथ तो उनके घर के लोग, बच्चे अली असगर, अली अकबर, हजरत बीबी सकीना, हजरत बीबी जैनब साथ में थे। और उस वक्त उन्होंने हक का साथ दिया ताकि इस्लाम जिंदा रहे और इंसानियत जिंदा रहे। अगर उस दिन वो कुर्बानी नहीं होती तो दुनिया में इंसानियत नहीं होती। और आज के दौर में पूरी दुनिया में एक ही चीज की जरूरत है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बेंगलोर की, महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूं, पूरी दुनिया का जो माहौल है, अगर इस वक्त इंसानियत नहीं बची, अगर हम दुनिया के अंदर से जो वैसी पान है उसको नहीं हटा पाए तो ये हमारी गलती होगी। हमको लोगों की चेहरे पर खुशी देने का काम करना है, फिर वो किसी भी मजहब का हो। हमको ये बताया गया है कि आपका अगर पड़ोसी भूखा है तो आपके खाना हराम है, ये नहीं बताया गया है कि पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए। आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर खाना हराम है, भी पड़ोसी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो आज इस हुसैन डे के मौके पर हम सबको यह हद करना है कि हम जो इमाम हुसैन का, मौला अब्बास का, हजरत अली का, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है मोहब्बत, वो हम
अपने बिरादराने वतन को बताए और उनकी मोहब्बत के साथ इस देश को और दुनिया को मजबूत करें। खुदा हाफिज़। के वालिद मोहतरम अब्बास साहब, जिनकी शफ़क़त और मोहब्बत की हमेशा से मिलती रही, कई सालों के इसरार लेकिन अपनी किस्मत, क्योंकि ये बज़्म हुआ है कि जब तक फातिमा जहरा के फहरिस्त में आपका नाम ना हो जाए, बज़्म हुसैनी में आपकी रसाई नहीं। आज जो यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, यकीन मानिए जनाब फातिमा ने जो फहरिस्त बना दी, उस फहरिस्त में आप सब। आज का ये जो इज्तम है, दायरे इसकी थीम जो है वो डाइवर्सिटी एंड सॉलिडरिटी। मुझे चंद मिनट बोलने का हुक्म है, मैं वक्त के अंदर, क्योंकि मुझे भी अभी फ्लाइट पकड़नी है। 1400 साल गुजर गए, आखिर एक शहादत, एक सानहा जो आज से 1400 साल हो गया, बीत गया, आज उसकी अफादियत क्या है, आज उसकी रेलिवेंस क्या है, क्यों मना रहे हैं? देखिए, अगर जंग शख्सी होती है तो वो उस दौर में, जब तक वो शख्स मौजूद होता है तब तक उसकी अफादियत रहती है, उसके चलने के बाद खत्म होती है। लेकिन अगर जंग व्यक्ति के बजाय व्यक्तित्व की होती है, पर्सन के बजाय पर्सनैलिटी की होती है, शख्स के बजाय शख्सियत की होती है, तो ये व्यक्तित्व, शख्सियत या पर्सनैलिटी, उसका जो हदफ है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो अगर आफाकी है, यूनिवर्सल है, तो उसके चले जाने के बाद भी उसकी वो अफादियत बरकरार रहती है। आखिर वाकयाते करबला में वो क्या बात थी कि 1400 साल गुजरने के बाद भी आज हम समझते हैं कि वो हमारे वक्त के लिए भी रेलिवेंट है और आने वाले वक्त के लिए भी रेलिवेंट है, वो वजह क्या थी? मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, मुश्किल से 5-7 मिनट में, कि वो वजूहत क्या थी, इमाम हुसैन किस हदफ को लेकर निकले। वो इमाम हुसैन ने खुद कहा कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से दूर करना, ये हदफ था। लेकिन ये चीज तो हर मजहब, हर अध्यान, हर जगह यही उसवाए हसना रहा सबका, लेकिन उस तरीका कार क्या था, इसकी भी वजाहत इमाम हुसैन ने मदीने में जब मुतालबा बैत किया गया उसी वक्त दे दी कि यह बात शख्सी नहीं है, यह मुतालबा बैत यजीद हुसैन से नहीं मांग रहा है, बल्कि हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की वो एलिजेंस नहीं कर सकता, बैत नहीं कर सकता, ये मुझ जैसा और तुझ जैसा, ये अपने आप में ये बयान सबूत है कि ये लड़ाई शख्सी नहीं, शख्सियत थी। यानी हर दौर का यजीद जब भी हर दौर के हुसैनियत के सामने बैत लाएगा और मुतालबा करेगा, वो बैत हुसैनियत कबूल नहीं करेगा। कि 30 साल से वो इस प्रोग्राम को हुसैन डे को मना रहे हैं, इससे पहले भी मैं आया था, फारूक साहब भी आए थे, जब हमारे आचार्य जी और मैं, आचार्य जी बीच में भी आए, लेकिन आपके बीच में आगा साहब ने यहाँ दोबारा सवाब का मुझे मौका दिया कि मौला की शान में दो लफ्ज मैं भी आपके सामने रख सकूं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले आप, क्योंकि ये हुसैन डे है, तो हजरत इमाम हुसैन के बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि क्या शख्सियत थी। हजरत इमाम हुसैन शियाओं की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबके लिए है, सबके हैं। हमें सोचना चाहिए कि उनका क्या मकसद था। मैं लोगों की बात सुनता हूं, धोखे से बुलाकर मारा गया हजरत इमाम हुसैन को, ऐसा नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने शहीद होने से पहले खुतबा दिया, मैं कौन हूं,
मैं क्या हूं, मैं किसका नवासा हूं। कोई कोई धोखा वोका किसी को नहीं था, सबको पता था। अमर सिंह ने नहीं मारा, राम सिंह ने नहीं मारा, वो भी अल्लाह अकबर कहने वाले थे, शायद उनको पहचान नहीं थी। हमें पहचानना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन को। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मसायब नहीं है। हम अभी ये हमारी बच्ची लोहे पढ़ रही थी, किरमानी साहब भी बैठे, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मशहूर हमारे क्रिकेटर रहे हैं, पीछे बैठे हैं। हजरत इमाम हुसैन को हमें पहचानना पड़ेगा। आज हजरत इमाम हुसैन ने क्या मैसेज दिया वहां से कि कोई है जो मेरी मदद करे। आज जो लब्बैक या हुसैन की आप आवाज सुन रहे हैं, ये वही उसका नतीजा है। मैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देखता हूं कि शियाओं को छोड़ लिया, हिंदू जा रहे हैं, ईसाई जा रहे हैं और दूसरे कौम के लोग जा रहे हैं। किस लिए, क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो वजह होगी, इसको हमें सोचना चाहिए। अगर करबला ना होती तो हक और बातिल का पता ना लगता, पता नहीं लगता। फिर यजीद की जो मर्जी होती वो करता, और इस्लाम की क्या नौबत होती उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान देकर, अपने घर को लुटाकर उस शरीयत को बचाया जिसको रसूल अल्लाह वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए थे। हमने अल्लाह को नहीं देखा, कोई दुनिया में नहीं बता सकता कि जिब्राइल, हजरत जिब्राइल वही लेकर आए, लेकिन हम रसूल अल्लाह की बात पर यकीन करते हैं, मानते हैं कि जो रसूल अल्लाह कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब रसूल अल्लाह ने क्या क्या कहा उसको सोचना चाहिए। जिस हुसैन को एक बूंद पानी नहीं मिला, क्या तमन्ना, क्या क्या मांगा उन्होंने कि मैं बड़ा प्यासा हूं, मुझे एक बूंद पानी दे दो, पानी नहीं दिया। उस हुसैन के लिए आज लंगर लगा रहे। आप करबला में जाके देखिए, मैं तो 1983 में पहली बार गया था, 1983, 40 साल पहले। आज मेरे दोनों बेटे, बहू, मेरे भतीजे सब लोग सुबह की फ्लाइट से मैं इधर आया हूं, वो लोग करबला गए। हम हजरत इमाम हुसैन को ना हमारे रोने की जरूरत है, ना हमारे मातम करने की जरूरत है, हमें जरूरत है हजरत इमाम हुसैन की, हजरत इमाम हुसैन को हमारी जरूरत नहीं। मैं अपील करना चाहता हूं यहां से कि हमें अपने तरीके को, हमारे उलमाए इकराम जो हैं उनको अपने तरीके को बदलना होगा। हमारी तकरीरों में, हमारी तबलीगों में बदलाव आना चाहिए, जिससे दूसरे लोग आकर हमारे साथ बैठकर सुन सके। लोगों को पता नहीं है कि हुसैन कौन है। मैं एमएलए बना, मैं आपके सामने एक मिसाल हूं सुन्नी शिया की। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3000 शिया हैं, बाकी सब सुन्नी हैं। उसमें देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, वहाबी भी है, जमात वाले भी हैं, सब ने मुझे वोट दिया, 2 बार में जीत कर आया। किस वजह से? इस वजह से कि हमने अपने तरीके को, अपने तरीके, जब हम मजलिस में जाते थे उनको भी साथ लेके जाते थे, चलो, तो हमें बोलते थे कि हसन भाई मजलिस ये होती है मजलिस। मैंने कहा हाँ, कि हमें तो बताया जाता कि गालियां दी जाती, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, गालियां दी जाती। जब तक आप बताएंगे नहीं, और माफ कीजिएगा शायद बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उलमाए इकराम का तरीका भी बदलना चाहिए। हम बात भाई हजरत इमाम हुसैन ने या हजरत अली ने हमें क्या सिखाया है,
अगर उस पर हम अमल नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मर्तबा मुझे इस हुसैन डे में आने का मौका फराहम हुआ। आज हुसैन डे आप लोग मना रहे हैं और मैं यही कह रहा हूं कि आज हुसैन डे है। वैसे कोई मुतय्यन नहीं है कि फुला दिन हुसैन डे है, हर दिन हुसैन डे है, हर दिन हुसैन का है। कौन सा दिन ऐसा है जो हुसैन का दिन ना हो? और जिसकी रगो पा में, जिसके खून में हुसैन की याद ना हो, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवासे रसूल के हवाले किया। आज आगा सुल्तान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप 31 साल से ये प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं सुना था लेकिन कभी हाजिर होने का मौका फराहम नहीं हुआ, और अल्लाह से दुआ करता हूं परवरदिगार इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दाम से लोगों को जमा करने का ये काम अल्लाह इनसे लेता रहे। एक आगा सुल्तान नहीं बल्कि ता कयामत ये काम होता रहे कि उस जात की निस्बत से इंसानियत जमा होती रहे। और दूसरे के नाम से जमा करेंगे आप हार जाएंगे, किसी और के नाम से जमा करने की कोशिश करेंगे ना तो आप जमा नहीं कर सकते। या तो आप नाना के नाम से जमा कर सकते हैं या तो फिर नवासे के नाम से जमा कर सकते हैं। दुनिया दीवानी है तो अपने नबी की दीवानी, दुनिया अगर दीवानी है तो नवासे की दीवानी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अक्ल सलीम अता फरमाए। और आज तो स्टेज पर हर तरह के मसलक के लोग भी हैं, मशरक के लोग भी हैं, मजहब के लोग भी हैं, तो इनका जमा होना ये बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन ये आप ही के नहीं, हुसैन हमारे भी हैं। सिख भी यही कह रहे हैं कि हुसैन आपके नहीं, हुसैन हमारे भी हैं। ईसाई कह रहे हैं कि हुसैन आपके नहीं, हुसैन हमारे भी हैं। तो पता ये चला कि सबको जोड़ने वाली अगर जात है, एक जहती का अगर कोई मुजाहिरा कर सकती है, जमा कर सकती है, तो वो नवासे रसूल की जात कर सकती है। अरे तरबियत किसने दी है? तरबियत कहां हुई है हुसैन की? अरे नवासे रसूल की जो तरबियत हुई है इमामुल अंबिया की गोद में हुई है। ऐसे वैसे की अगर तरबियत होती तो बात अलग थी। अरे जिसको अपना अखलाक, अपनी फितरत जिसे अल्लाह ने अता की वो इमामुल अंबिया, और इमामुल अंबिया ने जो अपना अखलाक अता किया वो इमाम हुसैन है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आपस में इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे हिंदुस्तान की, बिलखसूस हमारे हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहां हम मिलजुल कर बड़ी आजादी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। बच्चों का नाम यजीद नहीं रखता, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, शहर शहर, गांव, हर दुनिया के किसी कोने में जाओ, घर घर में तुम्हें हुसैन मिल जाएंगे। इससे बड़ा और जहां तक हुसैनियत का सवाल है तो ये बात सच है कि हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो कोई उनकी निजी लड़ाई नहीं थी। मुझसे पहले भी इनकम टैक्स कमिश्नर साहब ने इसका जिक्र किया, मैं भी इस बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करता हूं कि यदि उनकी जाती लड़ाई होती तो ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, मैं बैत नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता।
इसका मतलब है कि ये लड़ाई जाति नहीं है, ये निजी लड़ाई नहीं है, ये उनका अपना कोई मकसद नहीं था, ये सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये सच और हक की लड़ाई। तो फिर सच और हक की जब लड़ाई की बात आती है, ये ख्यालात का मामला है, ये आइडियोलॉजी का मामला है, और आइडियोलॉजी का मामला ना होता तो कल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम या इमाम हुसैन की इस बारगाह में हाजिरी लगाने क्यों होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दो तीन बातें कह के मैं अपनी बात को तमाम करूंगा कि हम सब हुसैन के चाहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारी दुनिया हुसैनियत को मानती है, लेकिन जो मंजर नजर आ रहा है, जो हालात नजर आ रहे हैं, वो और दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है, कहीं बताने में भूल हो रही है, कहीं समझाने में भूल हो रही है, या समझने में भूल हो रही है। मुझे एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कहनी पड़ती है कि जो राम का नाम लेकर के किसी का गला काटता है, मैं उसे हिंदू नहीं मान सकता। मैं ये बात बड़ी साफ तौर से कह रहा हूं, चुपके नहीं कहना चाहता हूं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर किसी के घर के चिराग को बुझाता है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। और जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नाम लेकर किसी के गले को काटता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है। जो इस्लाम बड़ी कश्मकश में हूं, बड़ी उलझन में हूं, और आपसे भी अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं, गलती हुई है, भूल हुई है, सबसे बड़ी भूल हुई है वो क्या है, जहां तक मैं समझता हूं आप सब दानिश लोग यहां तशरीफ फरमा है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी शायर को समझना है तो उस शायर का टेलीफोन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, उसकी शायरी को समझने की कोशिश शुरू कर दो, शायर तक पहुंच जाओ। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। कि जो पैगंबर ने आहिस्ता से कहा वो तुम्हें याद रहा, लेकिन जो गदीर के मैदान में चिल्ला करके कहा वो तुम भूल गए, ये सवाल है। जलसों में कहेंगे, मंचों पर कहेंगे, बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मोहब्बत की बात मेरे दोस्त वो भी कर रहे हैं जो नफरत का जहर फैला रहे हैं। आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं नफरत की बात कर रहा हूं। कोई परमात्मा को भगवान कह दे, रब कह दे, खुदा कह दे, गॉड कह दे, परम तत्व कह दे, या अल्लाह तवार, ऐसा नहीं हो सकता है कि परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का हो और मुसलमानों का ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का हो, हिंदुओं का ना हो। इसीलिए पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, अगर वो सिर्फ मुसलमानों के होते तो रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है। इसलिए मैं कलके की चोट पे कहना चाहता हूँ, रहमतुल आलमीन कहने का मतलब है कि वो जितना आपके हैं उतना हमारे हैं। मौलाए कायनात को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। हजरत इमाम हुसैन जितना आपके हैं उतना हमारे हैं, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको ना बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको ना बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन। तो मेरे दोस्तों,
हम सब शुक्रगुजार हैं आगा सुल्तान साहब का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनकी बारगाह में अपनी हाजिरी लगा पाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मौलाए कायनात के लिए मैंने कुछ लिखा है वो आपकी नज़र करते हुए और दुआओं की दरख्वास्त करते हुए आपसे रुख्सती चाहूँगा। एक बार नाराज़ सलवात के फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है। आगा सुल्तान साहब पढ़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एकल की पीठ का पीठाधीश्वराचार्य प्रमोद कृष्णन पढ़ रहा है कि फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। मेरी आवाज जहां तक जाए जिन दिलों को छुए मुझे दुआओं से नवाजना कि जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। और समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अगर जिक्र अली ना हो तो बंदा जी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। आप सब सलामत रहें। इन दुआओं के साथ ये हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, इंसानियत जिंदाबाद रहे, हुसैनियत जिंदाबाद रहे। इसी ख्याल के साथ आपसे रुख्सती चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबका मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप यहाँ पे 3 बजे से बैठे हैं। That goes to show your patience and the quality of the people, the gathering we have. I really salute you for this. On this 31st annual Hussain Day, मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 4:30 बजे से बैठे हैं। उतनी उम्र में भी जो बैठे हैं हम सब उनके लिए दुआ करेंगे सेहत तंदुरुस्ती के लिए। अब हमारे साथ अभी अभी आए हैं श्री डी के श्री कुमार जी। आप सब जानते हैं कि इनकी मेहनतों से, इनकी ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन से जब से ये प्रेसिडेंट केपीसीसी हुए 2020 में, इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल कोविड टाइम। मैं खुद विटनेस हूं उस ऑफिस में सिर्फ 15 या 20 लोग काम करते थे क्योंकि कर्फ्यू था और हर इंसान जान की खौफ में था। ये इनको भी बहुत इंटेंस कोविड हुआ, हॉस्पिटल में रहे मगर वहीं से भी काम करते रहे। इनकी मेहनतों से कांग्रेस पार्टी आई इधर, वेरी गुड मेजोरिटी ऑफ 135 सीट्स। एंड ये जब इलेक्शन शुरू हुआ तो वो प्रेडिक्ट करते थे 135 सीट्स मिलेंगे हमको, 135 टू 135 मिला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और
प्रेसिडेंट केपीसीसी भी संभाल रहे हैं, क्योंकि उनको कहा गया है कि लोकसभा में भी 24 सीट यहां से आना है। हम दुआ करेंगे उनको, इनकी मेहनत कामयाब हुए। सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल, ये आउट ऑफ स्टेशन गए थे, फिर भी इनका कमिटमेंट जो है, ही सेड ही विल कम एंड ही हैज कम। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस आई वेलकम यू हियर सर। इन दिस हुसैन डे वी डू नॉट क्लैप एंड वी डू नॉट गिव एनी बुके, फॉर दैट यू विल एक्सक्यूज अस, एंड आई एम श्योर यू विल give a piece of advice which will stay with us, stay in our minds forever. On behalf of all of us, sir, I thank you very much for coming. All of us will be presented to the Momineen by Mr. Dr. Sayyed Saaduddin Albanna. It is a very holy flag. Kindly, you know, just 2 minutes. 31st annual Hussein Day. That is subject diversity and solidarity, और उसके साथ साथ peace, harmony, humanity, ये तीनों ऐसे एक सब्जेक्ट हैं। और अभी आपके सामने हमारे चीफ कमिश्नर साहब ने कहा, और वास्ता आज का माहौल, सारी दुनिया ग्लोबल पोजीशन आज क्या है, 1400 साल पहले क्या हालत थी, इसके बारे में ये खाका आपके सामने खींचा। मैं समझता हूं कि उस वक्त जंगे बदर में भी हम 313 लोग थे, जंगे बदर भी मतलब हम लोगों ने इस तरीके से फतेह हुई थी, इसमें हम लोगों के साथ एक कुव्वत थी और एक रूहानी ताकत थी। मैं समझता हूं कि आजकल वो रूहानी ताकत कहीं हम सब लोगों से काफी दूर हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा, वो मतलब दीनी जज्बा पहले जैसा था, उस अब काफी कम नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे अंदर एक तरह की एहसास कमतरी आ गई। हम सोचते हैं कि भाई हमारे सामने हम माइनॉरिटीज हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज हम हैं, होते हुए भी हम मेजॉरिटी में, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है, इफ यू कंपेयर टू अदर्स, वी आर नियरली अबाउट 16%, एंड इट इज वी आर नॉट, मतलब हो सकता है कि आउट ऑफ 100 वी आर माइनॉरिटी, इफ यू टेक एनी अदर कास्ट, सो वी आर इन मेजॉरिटी। दैट फीलिंग वी शुड हैव, एंड वी शुड फाइट फॉर अवर राइट, हमारे हक को हमको मांगना होगा, और हमारे हक को हम पाने के लिए हर तरीके की कोशिश करनी होगी। मैं समझता हूं कि इसमें हम कामयाबी भी मिलेगी। और आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर एक ऐसी हुकूमत है, ये हुकूमत आपकी आवाज सुनेगी, और ये हुकूमत आपकी जो भी आप लोगों को जो हक मिलना है, वो हक आप लोगों को लेना भी होगा, और ये हुकूमत आपका हक आपको देने के लिए तैयार भी है। बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। बेंगलुरु की सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 27 अगस्त इतवार को हुसैन डे कन्वेंशन का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब कौम व मिल्लत को झिंझोड़ने वाला था, सबों के लिए लम्हे फिक्रिया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, अमल के नहीं, ईमान की कमजोरी की वजह से मुसलमानों में तमाम बुराइयां पाई जा रही हैं, और मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल से घिरे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की अजीम शहादत पर रोशनी डालते हुए मुल्क और मिल्लत को अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। वाज़ह रहे कि बेंगलुरु की मारूफ समाजी, सियासी, तालीमी शख्सियत आगा सुल्तान पिछले 30 सालों से हुसैन डे का इनेकाद करते हुए आ रहे हैं। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। हाँ, यहाँ कश्मीर में शिया और सुन्नी में मतभेद होता था, और उस मतभेद को मेरे वालिद ने 38 महीने
खत्म करने की कोशिश की। सोमजना निकलता था रात के बाद, मेरी माँ ने निकली और कहा नहीं, सोमजना दिन को निकलेगा। और जब दोबारा आए जेल काटने के बाद, तो सब आगा उनको बुलाया, वहां चार घर हैं आगा बड़े आगे, और कहा इकट्ठे जुलूस निकालिए, एक साल एक आगा निकालेगा, दूसरे साल दूसरे का होगा, तीसरे साल तीसरे का आगा का होगा। पहले तो लगा कि आगाओं में भी माफी मांगता हूं, कहना यह यकजहती नहीं है, जब वो एकजहती हो गई तो सूचना का जुलूस निकलता था। वाले जब से कहा फारूक तुम इस योजना को शुरू करो, तुम जाओ इनके साथ। सात मील का सफर सुबह 7 बजे शुरू करते, रात के 10 बजे खत्म होता था, और मैं योजना के रसीले छोड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत थी तो उससे, इसने इंसान को जिंदा रखा, इसने इंसान अपनी कुर्बानी, अपने खानदान की कुर्बानी, अपने दोस्तों की कुर्बानी दी, इस्लाम जिंदा रहे। और वो जो बादशाह जालिम मगरूर, उसकी बात में होता है इतना जज्बा, अल्लाह करे कि वो जज्बा आप में पैदा हो, तब इंशाल्लाह मैं आपसे कहूंगा मुसलमान कभी मरेगा नहीं, इस्लाम कभी मरेगा नहीं। याद रखिएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा, ये हमारा वतन है। बेंगलुरु में 27 अगस्त इतवार को मनाए गए हुसैन डे के मौके पर कर्नाटक के नायब वजीर आला डी के शिवकुमार का खिताब काबिले गौर रहा। डी के शिवकुमार ने कहा कि वो सबसे पहले शुक्रगुजार हैं कि इलेक्शन के मौके पर उन्हें और उनकी पार्टी को सब ने दुआओं से नवाजा, और जुनूबी हिंदुस्तान में हेट्रेट पार्टी, नफरत वाली पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए। मुसलमानों के इस इजलास से खिताब करते हुए डी के शिवकुमार ने कहा कि आप सब ने न सिर्फ कर्नाटक की हिफाजत की है बल्कि पूरे मुल्क में तब्दीली की उम्मीद पैदा की है। डी के शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत माइनॉरिटीज की हिफाजत को यकीनी बनाएगी और ये भरोसा देती है कि तमाम लोग और अकलियतें अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजर बसर करें। डी के शिवकुमार ने हुसैन डे के मुंतजिम आगा सुल्तान की तारीफ करते हुए कहा कि आगा सुल्तान केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काफी सरगर्म हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। अहदे बनी उमैया में बिदत शुरू हुई, फासिक की फाजिरों की इताअत शुरू हुई, मिंबर से जालिमों की हिमायत शुरू हुई, ताकत से और जोर से बैत शुरू हुई। बैत की रकम दीन नबी के खिलाफ थी, कर्बोबला की जंग इसी के खिलाफ थी, और शाहों की जंग का कोई हिस्सा नहीं है ये, दो हाकिमों के बीच का कजिया नहीं है ये, दुनिया के तख्त व ताज का झगड़ा नहीं है ये, एक रोज की लड़ाई का किस्सा नहीं है ये। सीना सिपर है सदियों से सजदों के कर्बला, बाकी है ला इला इसी के सबब सदा, बाकी है ला इला की इसके सबब सदा। मजलूमियत के दर्द में शामिल है कर्बला, हर दौर के यजीद के कातिल है कर्बला, दीने रसूल पाक का हासिल है कर्बला, इस्लाम का धड़कता हुआ दिल है कर्बला, इस्लाम का धड़कता हुआ दिल है कर्बला। कहते हैं इसको कह काबे को, इस पे नाज है, कुरान को नाज है, इस पर हर एक सच्चे मुसलमान को नाज है। और आखिरी बंद, इंसानियत का एक समंदर है कर्बला, जिस पर खिजा नहीं वो गुलेतर है कर्बला, खुशबू से हुर्रियत की मुअत्तर है कर्बला, आजादी जमीर का महवर है कर्बला, भटके हुओं को राह दिखाती है ये जमीन, इंसान आदमी को बनाती है ये जमीन। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तकरीबन 4.5 घंटे तक यहाँ बैठे। मैं तमाम लोगों की जानिब से जो हमारे लीडरान आए, जो यहाँ पर मजहबी रहनुमा आए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और जो इतनी दूर दूर से तशरीफ लाए उनके लिए शुक्रिया, आपकी तरफ से यहाँ के जो आज मेहमान थे उनका शुक्रिया, आप मेजबानों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले साल फिर रहे, जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मीडिया वॉलंटियर्स एंड लास्टली सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट वाइस चांसलर रेवरेंड फादर डॉक्टर ट्रैफिक, एंड इफ आई मिस्ड आउट एनीबॉडी माय थैंक्स टू यू ऑल। इसलिए सब लोग आना चाहिए, सब स्पिरिचुअलिटी इधर पढ़ना चाहिए, और सब लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया ना, हम सब एक हैं, सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, इसलिए वो मैसेज हम दे सकते हैं, दे रहे हैं इधर से। तो आप भी करबला जाकर आए हैं, हज़रत इमाम हुसैन की शख्सियत को आप कैसे देखते हैं, पर्सनालिटी को कैसे देखते हैं? इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सब लोगों के लिए है, जैसा सब नबी सब लोगों के लिए आए हैं, सब लोगों के लिए इन्होंने काम किया है, वो सब लोगों की इंस्पिरेशन है, और वो हमको अल्लाह को जाने के लिए वो मदद कर रहे हैं। तो आखिर में सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी से क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए हम सब लोगों ने अल्लाह ताला कैसा हमको बनाया है, ऐसे सब लोगों को अमन फैलवाना है, वही हमको वो बोल रहा है, सब अमन से जीना है, प्यार से जीना है, और एक बन के जीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माय 31st एनुअल हुसैन डे जो ख़त्म हुआ अभी आपके सामने हूँ, आप लोग थे, प्रेस मीडिया, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आप भी 5 घंटे टाइम सब्र से बैठे, प्रेस खासकर प्रेस 5 घंटे बैठना नामुमकिन है, दैट गोज़ टू शो के आप सब कमिटेड जर्नलिस्ट हो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने हिदायत दी और इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सक्सेस। मेरा जो एक्सपीरियंस है, सक्सेस उन्हीं को आता है जिसकी नीयत सही होती है। ये जो भी मैं करते आ रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, हमारी अच्छी टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैं, ये मेरे अपने पोजीशन के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमैनिटी को हर साल नई सब्जेक्ट चुनी जाती है, हर साल जो सब्जेक्ट हम चुनते हैं वो एक साल में जो भी हालत हाजिरा दुनिया में होती है उसको चुनी जाती है। तो आज डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया, वी हैव गॉट सो मैनी रिलीजन, सब कैस्ट, डिवीजन ऑफ मैनी ग्रुप्स रिलीजन्स। तो ये डाइवर्स एटमोसफियर में सॉलिडारिटी की ज़रूरत है, ये इसको आज खतरा है हिंदुस्तान में। कौम्स, एक कौम से दूसरे कौम को लड़ाया जा रहा है, खास करके माइनॉरिटीज़ को जो भी जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के जज्बे को चोट लगा रहे हैं, जो इस्लाम हमको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम पेश किए, उस इस्लाम को बहुत बड़ा धक्का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हलाल, हिजाब, अजान वगैरह वगैरह, ये न केवल ये है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स चेंज करने छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबक पाए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। 1400 साल से ज़्यादा पहले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी फैमिली और फॉलोअर्स के साथ कुर्बानी दी, जो उस दौर के यजीद जो था, उस दौर का एक टायरेंट था, टेररिस्ट था, हु वाज रियली डिस्ट्रॉइंग इस्लाम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी को चोट लग रही थी, इन्होंने चुप नहीं थे
आवाज उठाए और कुर्बान हुए। हम आज एक मैसेज देना चाहते हैं, लेट अस ऑल यूनाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, स्टैंड ऑन वन प्लेटफॉर्म, रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एंड ऑल्सो हेल्प द पुअर इन नीड। सो लेट अस प्रे दैट इंडिया, हिंदुस्तान में अमन रहे, गरीब जो गरीब है वो गरीबी से उठे। अब गरीबी से उठना है तो पीसफुल एटमोसफियर चाहिए, काम धंधे चाहिए। जब रायट्स होते हैं, जब कम्यूनल वायलेंस होते हैं, तो उनका पूरा बिजनेस, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वगैरह, उनका पूरा बर्बाद होता है। सो लेट अस ऑल यूनाइट एंड गिव अ कॉल ऑफ सॉलिडैरिटी एंड स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर एंड इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल। आई थैंक यू ऑल द प्रेस, द मीडिया एंड ऑल द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड टुडे, ऑल द स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एंड ऑल्सो वी हैड अ वेरी प्रोमिनेंट इन्वाइटी फ्रॉम करबला, Dr. Sayyed Saaduddin Albanna, who is a senior member of the board of Holy Shrine of Imam Hussain. He has come all the way from Karbala and he gave us a lovely speech, and unhone ek parcham bhi diya hai hamare ko as a tabarruk from Karbala. So he is here, he will speak for 2-3 minutes. May I request you to kindly take his talk. He will talk in Arabic. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. تم تلبية دعوة كريمة من جناب الأغا السلطان موجهة إلى العتبة الحسينية المقدسة، وهذه المشاركة في مؤتمر يوم الحسين للسنة 31. ما يميز هذا المؤتمر هو وجود أنواع متنوعة من الأديان والمذاهب والطوائف والجماعات الأخرى. هؤلاء جميعا جمعهم حب الحسين، الإمام الحسين يجمعنا جميعا للإنسانية. تحدثنا بكلمة مختصرة عن العتبة الحسينية المقدسة، تكلمنا عن كيف تعامل الإمام علي عليه السلام مع جميع رعاياه عند حكومته بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، كيف تعامل مع النصراني، نفس المعاملة بين النصراني والمسيحي وغيره. وتطرقنا أيضا أنه كتب إلى واليه في مصر مالك الأشتر وذكر له ما مختصره، وقال له أن الإنسانية على نوعين، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فيجب التعامل على هذا الشكل وليس على شكل آخر. وأيضا تطرقنا إلى أنه كيف الإمام الحسين عليه السلام مصداق لشعار المؤتمر التنوع والتضامن، إذ أنه ضم في هذا الملحمة الحسينية الخالدة، كان هناك النصراني وكذلك المسلم والصغير والكبير والطفل الرضيع، وكان هناك من في معسكر يزيد والتحق بمعسكر الإمام الحسين الحر الرياحي، وذكرنا أمثلة كثيرة عن هذا الشعار التضامن والتنوع. وبالنتيجة في ليلة عاشوراء قال لأصحابه اتخذوا هذا الليل جملا وأنتم في حل من بيعتي، ويمكنكم أن تغادروا في هذا الليل وأنا أبقى معهم، ولكنهم رفضوا وقالوا لا، نحن نتضامن معك وفي سبيل نيل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وذكرنا تفاصيل أخرى لا مجال لها هنا. في الحقيقة أود أن أشكر الجميع على هذا المؤتمر الناجح الذي يعقد للسنة 31، والذي يضم أنواع من الطوائف والمذاهب والأطياف المختلفة من المجتمع من داخل الهند ومن خارج الهند. أشكركم جميعا.